कोरोना संकट में जब कई बड़ी बड़ी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, ऐसे समय में भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने नाम एक और सफलता दर्ज करवा ली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटल 11 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है, जिसके साथ ही रिलायंस पहली भारतीय कंपनी बन गई है जिसने इस मुकाम को हासिल किया है। यही नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज अब पूरी तरह कर्ज मुक्त भी हो चुकी है। गौरतलब है कि रिलायंस के शेयर में भी 6% से अधिक की तेजी देखी गई। शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भाव में 100 रुपये से अधिक की तेजी आई है। फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर भाव 1,750 रुपये के स्तर पर है। बता दें कि 23 मार्च को शेयर 52 हफ्ते के लो 867.82 रुपये पर पहुंच गया था, जिसके बाद महज 3 महीने से भी कम समय में कंपनी के शेयर में 2 गुनी तेजी आई है। कंपनी के शेयर में तेजी की सबसे बड़ी वजह कंपनी की कर्ज मुक्ति है। कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अब कर्ज मुक्त कंपनी बन गई है। अहम बात यह है कि कंपनी ने डेडलाइन से करीब 9 महीने पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कंपनी पर 1,61,035 करोड़ रुपये का कर्ज मार्च 31 तक था, जिसे कंपनी ने 31 मार्च 2021 तक चुकाने का लक्ष्य रखा था, जो कि 1,61,035 करोड़ रुपये का कर्ज था जो 9 महीने पहले ही पूरा हो चुका है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।